निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल हुई थी कि हमारे सिस्टर का मर्डर का किया गया और जिस प्रकार देखा गया है कि इसमें सिस्टर के और पावना के लड़ाई आए दिन हुई करती थी और पावना टॉर्चर करता था आए दिन और घर गृहस्थी की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही हद तक बढ़ा दी और ताकि फिर घर गृहस्थी की लड़ाई से ज़्यादा परेशान होने के बाद सिस्टर ने क्या किया जहर खाया या खिलाया गया यह पता नहीं चला और इसकी शादी को 15 साल हो गए हैं। अजमेर में क्या नाम है उनके हस्बैंड का और हस्बैंड का नाम है लेखराज जागृत और कंचन नगर में करी है शादी। पहले भी कोई लड़ाई झगड़े हुआ करते पहले लड़ाई झगड़े हुआ करते थे इनके दोनों में और अक्सर ये टॉर्चर करता ही रहता था। आखिरकार ये परेशान होकर और क्या किया है अब हमें भी पता नहीं। इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि हमें इंसान कौन सा थाने में ये चंद्र रामगंज थाना। क्या नाम था आपके सिस्टर सिस्टर का नाम चंचल। बच्चे भी थे बच्चे हैं दो एक लड़की एक लड़का है। ससुराल पक्ष पर करवाया मुकदमा। हाँ हमें और कुछ नहीं चाहिए कि इस निष्पक्ष जाँच हो ताकि पता चले कि सिस्टर के साथ क्या हुआ है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुनील कराड़िया। क्या लगते लड़की क्या मैं भाई हूँ छोटा। ये कंचन नगर दोराई की घटना है। कल एक महिला है जो जहरीली वस्तु का सेवन करने से हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। जहर इलाज उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर महिला के पीर पक्ष को सूचना की गई थी। महिला के पीर पक्ष वाले सभी लोग आज उपस्थित आए और महिला के पिताजी ने उस महिला के पति सास और ससुर इन तीनों के खिलाफ उसको जबरन कीटनाशक दवा पिलाकर मारने का आरोप लगाया। इस संबंध में 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और महिला का पोस्टमार्टम करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट नहीं मिला।